जो हेलीज कॉमेट है हर 75 सालों में एक बार आता है, जो हमारे इलेक्शन है हर 5 सालों में एक बार आते हैं, और जो टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई जनरेशन है हर 4 सालों में एक बार आती है, और 2021 वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर आ चुकी है जिसमें आपको 201 हॉर्स पावर मिलती है, आपको काफ़ी बड़ी लुक्स मिलती है, और जो प्राइस है कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ऐसे ऑडी के लेवल का पहुंच चुका है। और आज के एपिसोड में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम इस गाड़ी के बेस्ट पार्ट के बारे में, जो कि इस गाड़ी की ताकत है जो कि कुछ ज़्यादा बढ़िया पहले से, तो अब इस गाड़ी में आपको मिलता है 2.8 लीटर का GT सुपर पावर इंजन जिसमें आपको 201 हॉर्स पावर मिलती है, और आपको 500 Nm का टॉर्क मिलता है जो कि इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी बनाता है। और अब जो MG के फैन बॉयज है वो कहेंगे कि हमारी गाड़ी में 218 हॉर्स पावर है तो हमारी गाड़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुई। तो जो डिफरेंस है वो ये है कि जो MG ग्लॉस्टर है वो फॉर्चूनर से 400 किलो ज़्यादा भारी है, तो जो पावर टू वेट रेशियो है फॉर्चूनर का बेस्ट है अपने सेगमेंट में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि MG ग्लॉस्टर एक ऐसा बंदा है जो कि मोटा सा है लेकिन ज़्यादा शक्ति है, लेकिन फॉर्च्यूनर ऐसे एजाइल सी है जिसमें आपको पावर बढ़िया मिलती है, और साथ ही में इसमें आपको 500 Nm का टॉर्क मिलता है जो कि इसके सेगमेंट का बेस्ट है। लेकिन अराउंड 5 साल पहले एक गाड़ी आती थी जिसका नाम था शेवले की ट्रेल ब्लेजर, जिसमें आपको उस टाइम में इतनी पावर मिलती थी, तो क्या करें अब उस पर बुरी वक्त की मार पड़ गई। और पेट्रोल में आपको मिलता है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसको कोई पूछता नहीं है क्योंकि कौन ही खरीदेगा इतनी कम माइलेज वाला इंजन। जो सेकंड इस गाड़ी में आपको अपग्रेड मिलता है वो इस गाड़ी के लुक्स में है जो कि पहले से काफ़ी सही है, और आपके सामने 4 गाड़ी आ रही है जो कि मैं हर एक वीडियो में करता हूँ, जो कि है फोर्ड एंडेवर, नई वाली फॉर्चूनर, महिंद्रा की एल्टुरस और बाकी टिगुआन ऑल स्पेस। और आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कौन सी बेस्ट लगती है। जो लुक्स है वो तो मैं कह ही रहा हूँ बेस्ट है टोयोटा फॉर्चूनर की, तो अब क्या करें। तो सामने इस गाड़ी में आपको नई ग्रिल मिलती है जिसमें आपको सारा कुछ ऐसे नया फंक्शन मिलता है, और बाकी जो बम्पर है वो भी आपको नया मिलता है जो कि सही दिखता है, जिसमें आपको क्लैडिंग मिलती है। जो लाइट्स आपको थोड़ी बहुत नई मिलती है जिसमें आपको टोटली LED का फंक्शन मिलता है, और बाकी साइड में इस गाड़ी में आपको नए 18 इंची के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिसमें आपको टोटली क्रोम मिलता है, और पीछे आपको 3D लाइट्स मिलती है, टेललाइट्स मिलती है, और बाकी फॉर्च्यूनर की आपको लेटरिंग मिलती है। और तो ऐसे कुछ बड़ा डिफरेंस है नहीं, और अभी थोड़े महीनों बाद ही मायापुरी वगैरह में किट्स आने वाली है, पुरानी फॉर्च्यूनर को नई में अपग्रेड कर लो तो उसके बाद फिर लोग यही करने वाले हैं। जो थर्ड इस गाड़ी में आपको अपग्रेड मिलता है वो इस गाड़ी के लेजेंडर वाले स्पेक में है, जो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा महंगा वाला स्पेक है, जिसमें आपको थोड़ी बढ़िया लुक्स मिलती है, आपको थोड़े बढ़िया फीचर्स मिलते हैं कुछ ज़्यादा बढ़िया दाम में, जो कि कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो उस वाले स्पेक में आपको सामने काफ़ी बढ़िया लाइट्स मिलती है जो कि ऐसे ब्लू सी है फंक्शन वाली, जो कि काफ़ी सही लगती है, और जो सामने का बम्पर वगैरह काफ़ी ऐसे स्पोर्टी से है ऐसे काले रंग के। साइड में इस गाड़ी में आपको नए 18 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि जो टाटा की टियागो आती है उसके बड़े वाले वर्जन लगते हैं, और मुझे पता नहीं कि है ऐसा या नहीं, लेकिन हो सकता है कि टोयोटा हमारी टाटा से इंस्पायर होके ऐसे वाली व्हील लाई हो। इस वाले स्पेक में आपको छत काले रंग की मिलती है जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगती है, और पीछे आपको जो लाइट्स आपको 3D वाली मिलती है, जो बम्पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलता है। तो लेजेंडर वाले स्पेक है तो बढ़िया, लेकिन दाम कुछ ज़्यादा ही ऐसे खूंखार से आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब हम आते हैं इस गाड़ी के बढ़िया वाले फीचर्स के बारे में जो कि आपको नए मिलते पहले से। तो पहला आपको मिलता है 11 स्पीकर्स का JBL का ऑडियो सिस्टम, जिससे अगर आपको DJ अजमेर के गाने सुनने हैं तो आप सुन सकते हैं। सेकेंड आपको इसमें एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है इसके लेजेंडर वाले स्पेक में, तो अगर आपको ऐसे पूरा माहौल बनाना है DJ अजमेर के गानों के साथ आप कर सकते हैं, और आपको बहुत ही ऐसे बढ़िया डिस्को वाली फीलिंग आने वाली है। थर्ड इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जो कि स्पोर्ट्स वाला, इको वाला और बाकी नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल पता नहीं मोड क्यों दिया है, ऐसे होना ही चाहिए था वो तो बेसिकली, और उससे अगर आपको इस गाड़ी की थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में ऑल्टरेशन करनी आप कर सकते हैं, और पहले आपको एक ही मिलता था। इसके लेजेंडर वाले स्पेक में आपको फुट ओपनिंग वाले टेलगेट मिलते हैं, जिससे अगर आप इस गाड़ी के डिक्की के नीचे पैर हिलाते हैं तो जो इस गाड़ी की डिक्की खुल जाएगी, और बाकी अगर आप दोबारा पैर हिलाएंगे तो बंद हो जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है अगर आपके हाथ में बहुत सारे सामान है। अगला इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, तो अगर आपको इस गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में ऐसे फेंक के अपने फ़ोन को चार्ज करना आप कर सकते हैं, और बाकी आपको 8 इंची का नया टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, तो उसमें अगर आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया कुछ देखना आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा है क्योंकि आजकल 10 लाख की गाड़ी में 10 इंची का आ रहा है, तो पता नहीं टोयोटा को क्या ही है। फिर इस गाड़ी में आपको वेंटिलेशन वाला फंक्शन मिलता है इस गाड़ी की सामने की सीटों में, तो अगर आपको इस गाड़ी में बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं पीठ पे, तो बस आप उस वाले फंक्शन को ऑन करिए, तो आपको ऐसे फिर भाव आएंगे शुद्ध शुद्ध हवाओं के, और ऐसे मजे आएंगे इस गाड़ी के अंदर बैठने में, और ऐसे कूल वाली फीलिंग आएगी। अब इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक मिलता है, जिससे इस गाड़ी को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके ऐसे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस का या फिर आपकी गाड़ी की स्पीड का। और लास्ट में इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि मुझे थोड़ी खराब बात लगती है क्योंकि मैकेनिकल होते थार की तरह तो मुझे आते सबको,
लेकिन अब क्या करें, चलो थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर हम आते हैं इस गाड़ी के उस वाले हिस्से में जहाँ पे आप अपनी तशरीफ को रखेंगे और बाकी आराम करेंगे इस गाड़ी में। तो वो है इस गाड़ी का इंटीरियर, जिसमें आपको स्पेस एक्जैक्टली सेम मिलती है, जो लेआउट आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, बस जो डिफरेंस है वो उसके कलर में है। जहाँ पे आपको पहले बेकार सा मिलता था, अब आपको ब्राउन मिलता है इसके नॉर्मल वाले स्पेक में, और बाकी आपको रेड मिलता है इसके लेजेंडर वाले स्पेक में, और बाकी तो एक्जैक्टली सेम ही है। और अब हम आते हैं इस गाड़ी के दाम में और बाकी इस गाड़ी के नाम में। तो जो दाम है कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि इसके पेट्रोल वाले स्पेक के लिए आपको देना पड़ता है 30 से लेकर 31.6 लाख रुपीज़ एक्सरूम इंडिया का। जो इसका डीजल वाला इंजन है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 32.5 से लेकर 37.4 लाख रुपीज़ एक्सरूम इंडिया का, जो कि और महंगा है पहले से। और जिसका लेजेंडर वाला स्पेक है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 37.58 लाख रुपीज़ एक्सरूम इंडिया का, जो कि कुछ ज़्यादा महंगा है। ऑन रोड आपको 45 के पड़ने वाली है गाड़ी दिल्ली में, तो पता नहीं ऐसे बर्बादी सी हो गई। लेकिन इतने बड़े प्राइस टैग के बावजूद भी इस गाड़ी में आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको 10 लाख की गाड़ी में मिल जाएंगे इंडिया में, लेकिन इसमें आपको 45 लाख के दाम में भी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक सनरूफ, जो कि मैं मानता हूँ कि मैंडेटरी अब, लेकिन आपको नहीं मिलती। एक 360 डिग्री कैमरा, जो कि मिलना चाहिए था लेकिन इसमें आपको नहीं मिलता। और साथ ही में इसमें आपको ऑटो पार्किंग मिलनी चाहिए थी, जो कि इसमें आपको नहीं मिलती। जो इसका लेजेंडर वाला स्पेक है उसमें आपको 4x4 नहीं मिलता, जो कि मैं मानता हूँ कि टॉप एंड स्पेक में देना चाहिए था। और बाकी कई सारे और फीचर है जो कि मैं गिनवा नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ऐसे बड़ी सी लिस्ट हो जाएगी। और इसलिए इस गाड़ी को मैंने दिया 3.8 स्टार्स की रेटिंग। एवरेज गाड़ी ने 76% मार्क्स को करे है, और बाकी के जो कड़े है क्योंकि जो प्राइस है कुछ ज़्यादा ही है, और जो फीचर है कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और टोयोटा ने मुझे निराश कर दिया है इसके लॉन्च के बाद। तो बाकी फिर आप कमेंट्स में लिख के बताया कि आपको 2021 वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर एक तगड़ी गाड़ी लग रही है, और क्या आप इसे 45 लाख के दाम में खरीदना पसंद करेंगे। और नीचे आप लिखिएगा #reduce the price of Fortuner, तो शायद टोयोटा इस गाड़ी का दाम थोड़ा घटा दे।